केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार के सभी 38 जिलों में बुधवार से केंद्रीय चयन पार्षद के तत्वावधान में 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पहला चरण शुरू हो गया है। सिवान जिले में भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिवान के DM मुकुल कुमार गुप्ता और SP अमितेश कुमार खुद एक्शन मोड में है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कदाचार न हो, इसके लिए DM और SP ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों DM VM कॉलेज और DPS स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, जहां उन्होंने कदाचार मुक्ति परीक्षा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12,484 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर कदाचार मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं ताकि नकल की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाई जा रही है। परीक्षा की फोटोग्राफी और CCTV से केंद्रों की निगरानी जैसे कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा की व्यवस्था की कमान DM और SP ने खुद संभाली है। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।